रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर कुछ आपने टर्म्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रैफिकिंग ऑफ दिस सेम। सेक्शन जो 7 है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और सेक्शन 8 जो है वो डील करता है ट्रैफिकिंग। इंपोर्ट टर्म का मतलब है कि भाई कोई चीज़ फॉरेन कंट्रीज से अपने मुल्क में बुलाना, मंगवाना, और एक्सपोर्ट टर्म का मतलब है कि वही चीज़ बाहर भेजना। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये किस तरह मुख्तलिफ हैं ट्रैफिकिंग से, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रैफिकिंग में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अगर देखें ना तो इंपोर्ट और टर्म एक्सपोर्ट ये एक्चुअल में इलीगल टर्म्स नहीं है, ये लीगल टर्म्स हैं। इंपोर्ट आप कार करवा सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन करवा सकते हो, एक्सपोर्ट आप कार कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन कर सकते हो, तो ये खुद में ही इलीगल टर्म्स नहीं है। लेकिन टर्म ट्रैफिकिंग जो है वो खुद में ही एक इलीगल टर्म है, ये याद रखिएगा। टर्म ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इलीगल ट्रेड या डीलिंग ऑफ गुड्स, ये खुद में ही इलीगल टर्म है, ये याद रखिएगा। तो सेक्शन 7 जो है ना, वो ये नहीं कहता कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इलीगल है, लेकिन वो कहता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नारकोटिक सब्सटेंस की इलीगल है और वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 7। लेकिन सेक्शन 7 आगे ये भी बात करता है कि अगर जो भी कंपनी या कोई बंदा, कोई मर्केंट है, तो वो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है और उसे फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है टू डू सो, तो फिर वो लीगल है, वरना नहीं। इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस को लीगल बनाया जा सकता है बाई इशूइंग, बाई ग्रांटिंग अ लाइसेंस टू दैट वन। लेकिन ट्रैफिकिंग को किसी भी सूरत में लीगल नहीं बताया जा सकता। इसीलिए सेक्शन 8 आप देखोगे ना, तो कहीं पर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि लाइसेंस वगैरह देंगे और ट्रैफिकिंग शैल बी लीगल देना। ट्रैफिकिंग इन ऑल केसेस दिस इज इलीगल। फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग ऑफ स्लेव्स, गुलामों की ट्रैफिकिंग करना, दिस इज अगेन अ क्राइम। इसी तरह नारकोटिक सब्सटेंस की ट्रैफिकिंग करना, इट्स ऑल्सो अ क्राइम। मैं ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ कि भाई पूरी एक गाड़ी भर के नारकोटिक सब्सटेंस की कहीं दूसरी जगह पहुँचा रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, दिस इज ट्रैफिकिंग, दिस इज इलीगल ऑलवेज। तो सेक्शन 7 बात करता है कि भाई इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो इस नारकोटिक सब्सटेंस का और लाइसेंस भी नहीं दिया गया, तो वो एक ऑफेंस बन गया है सेक्शन 7 में। इसी तरह सेक्शन 8 में ट्रैफिकिंग वाला ऑफेंस, ये दोनों ऑफेंस मिलाकर इनकी जो पनिशमेंट है वो फिर सेक्शन 9 में मौजूद है, 9A, 9B, 9C। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दोस्तों, आज हमने डिस्कस जो एक्चुअल में ये किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुद में इलीगल नहीं है, वो लीगल है। लेकिन अगर आप नारकोटिक सब्सटेंस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो फिर वो इलीगल हो जाती है अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। लेकिन ट्रैफिकिंग इन ऑल सेंसेस, इन ऑल केसेस, इट इज़ ऑलवेज इलीगल। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। गॉड ब्लेस यू ऑल।